राष्ट्रीय कृषि बाजार ईनाम के तहत कारोबार करने के लिए देश की नंबर वन मंडी बनकर सुर्खियों में आई कृषि उपज मंडी सोलन पर अब सवाली निशान लगे हैं। ईनाम के तहत सोलन मंडी की देश की नोडल मंडी घोषित किया गया है, लेकिन यहां ऑनलाइन के नाम पर मजाक हो रहा है। किसानों और आढ़तियों को ऑनलाइन मार्केट के बारे में जानकारी ही नहीं है। उल्लेखनीय है कि कुछ माह पूर्व ही सोलन की कृषि उपज मंडी को ऑनलाइन कारोबार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस मंडी में ऑनलाइन कारोबार के लिए 6 उत्पाद चयनित किए गए हैं, जिनमें टमाटर, शिमला मिर्च, सेब, लहसुन, मटर और फ्रांस बीन शामिल हैं। लेकिन यही सब उत्पाद नाम के लिए ही ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं। मंडी में रोजाना लाखों करोड़ों का कारोबार हो रहा है। मंडी में किसानों और खरीदारों की भीड़ भी है, पर मंडी के राष्ट्रीय कृषि बाजार के ऑक्शन हॉल में ताले लटके हैं और पूरी मंडी में कहीं भी किसानों द्वारा लाई जा रही एक भी फसल की ऑनलाइन बोली नहीं लग रही है, जिससे देश की नंबर एक मंडी पर सवालिया निशान लग रहे हैं। यहाँ किसानों व आढ़तियों को ऑनलाइन मार्केट की जानकारी ही नहीं है। मंडी में अपना उत्पाद बेचने आए किसान ने कहा कि उन्हें यह तो मालूम है कि सोलन को नंबर एक मंडी घोषित किया गया है, लेकिन यहाँ ऑनलाइन कारोबार कहाँ और कैसे हो रहा है उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ऑनलाइन की जानकारी हमें है कि है, पर जब प्रॉपर वे में ये चलेगी, प्रॉपर वे में रेट सबको पिछले डेट के रेट प्रोडक्ट वाइज और क्या कहते हैं आवक कितनी है, टमाटर की कितना आ रहे हैं, उसके क्वालिटी वाइज जब रेट मिलेंगे तभी कुछ हो सकेंगे। हाँ, ऑनलाइन का फायदा तब होगा जब किसान भी एजुकेटेड होंगे, किसान भी ये इस हिसाब से अकाउंट ओपन करेंगे और एजुकेटेड किसानों, कई तो इलिटरेट हैं बेचारे, वो कैसे ऑनलाइन कर सकेंगे। मंडी के आढ़तियों का कहना है कि सोलन मंडी में कृषि बाजार के तहत ऑनलाइन कारोबार काफी कम है और इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि किसान, आढ़ती व व्यापारी तीनों के बीच तालमेल होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन कारोबार के तहत किसानों के खातों में पेमेंट जाती है और किसान इसके लिए मना कर देते हैं। कई किसानों के तो अकाउंट ही नहीं है, किसान अभी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। इसमें अभी दिक्कतें काफ़ी है, क्योंकि तीन जो लोगों का संबंध है, जैसे एक तो जिम्मेदार है बीच में और दूसरे आढ़ती है और तीसरे जो व्यापारी है, इसके इन तीनों में तालमेल जब होगा तब ये जो ईनेम मार्केट अधिक चलेगी। क्योंकि पहले जो किसान है, किसानों जितने भी जिम्मेदार है इसमें ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है, लोग बोलते हैं हमें तुरंत पेमेंट चाहिए। दिक्कतें अभी हैबिचुअल नहीं है किसान इस चीज़ का, उसको तो ये लगता है कि आज पेमेंट चाहिए तो आज ही चाहिए, अगर प्रोसेस में थोड़ी लेट है तो वो शक करता है कि पता नहीं कैसे मिलेगी कैसे मिलेगी, लेकिन फिर भी कई जो जागरूक आदमी हैं वो ले रहे हैं, बोलते हैं जल्दी हो जाती है। मेरे ख्याल से दो एक दिन का समय, मेरे ख्याल से एक दिन का समय, दो दिन का समय उनको लगता है। हम यहाँ इससे पहले तो कैश ही डील करते थे तो वो ज्यादा प्रोसेस आसान लगता था उनको कि माल बेचा, पैसे लिए, घर गए। सोलन कृषि उपज मंडी के सचिव प्रकाश कश्यप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए बताया कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत 6 उत्पादों को ऑनलाइन कारोबार के लिए चुना गया है और अभी इसका प्रारंभिक चरण है। अभी तक 9,000 किसानों को मोटिवेट किया गया है और 4,000 किसान पंजीकृत हैं। इसके अलावा 92 आढ़ती और 423 व्यापारियों का पंजीकरण किया गया है। इसके तहत इस वर्ष 75 लाख रुपए से अधिक कारोबार किया गया है। क्योंकि ये कार्यक्रम भी प्रारंभिक चरण में है, किसानों को हमने ई पोर्टल से जोड़ना है, व्यापारियों को जोड़ना है, आढ़तियों को, हमने सभी आढ़तियों को इस पोर्टल से जोड़ दिया है, लेकिन किसान अभी तक हमारे 100% इस पोर्टल से नहीं जुड़े हैं। हाँ, जिनको जोड़ा गया है
हमने अपने जिला में 9,000 से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षित किया है, मोटिवेट किया है और 4,000 से ज्यादा लोगों का पंजीकरण किसानों के रूप में, ग्रोवर के रूप में ई नैम पोर्टल पे किया है। तो जो लोग जब भी आते हैं तो हम उनका जो व्यापार है, उत्पाद उनका ई पोर्टल के थ्रू बेचने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में या जितनी भी मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत है उनमें सबसे आगे सोलन एपीएमसी है, जहां हम लगभग 75 लाख से भी ज़्यादा जो किसानों की उपज का मूल्य है वो ई पोर्टल के द्वारा उनको दिया गया है। कृषि उपज मंडी में इस बार 75 लाख रुपए का कारोबार राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत हुआ है। जब इसका सच जानने की कोशिश की गई तो नाम गुप्त रखने की शर्त पर आढ़तियों ने बताया कि जो पेमेंट उन्हें किसानों को करनी होती है यह पेमेंट मंडी समिति लेकर किसानों के खातों में ऑनलाइन डलवाती है और इसे ऑनलाइन कारोबार में दर्ज कर लिया जाता है, जबकि इसके लिए खोला गया कार्यालय यानी कि ऑक्शन हॉल भी बंद ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।